मध्य प्रदेश सरकार के उद्योग मंत्री व जिले के प्रभारी मंत्री राजवर्धन सिंह दत्ती गांव बदनावर के शासकीय अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने अस्पताल के काश्यप स्वीटनर्स फैक्ट्री की तरफ से प्रदान किए गए ऑक्सीजन प्लांट का फीता काटकर शुभारंभ किया। प्लांट लगने से अस्पताल में ऑक्सीजन गैस की कमी दूर होगी। इसी के साथ मंत्री दत्ती गांव ने 3 एम्बुलेंस भी CSR मद से प्रदान की। यह एम्बुलेंस दसाई व बिडवाल व शासकीय अस्पताल में तैनात रहेगी। मंत्री ने अस्पताल में 200 मेगावाट का बिजली ट्रांसफार्मर लगाने के भी निर्देश दिए हैं। मंत्री ने अस्पताल का अवलोकन भी किया व डॉक्टर से चर्चा की। दत्ती गांव ने बताया कि अस्पताल में 2 ऑक्सीजन प्लांट लगेंगे, 1 प्लांट लग चुका है, वहीं दूसरी और 26 लाख से अधिक कीमत का बड़ा ऑक्सीजन प्लांट और बुलाया गया है, जिससे ऑक्सीजन गैस की प्राप्ति पूर्णतः होगी। जो रसला में कोई नहीं आता ना, तो फिर उनकी जगह खोल देते हैं। संक्रमण धीरे धीरे कम हो रहा है। सबकी सहयोग से हम चेन आइडेंटिफाई करने में सफल रहे और चेन ब्रेक भी हो रही है। कहीं कहीं एक आध केस आ रहे हैं, शायद या तो कहीं बाहर से उनका एक्सपोजर हुआ है या फिर किसी के संपर्क में आए हैं, लेकिन जो औसतन पहले 20% से ऊपर वो हम घटा के करीब, अगर 20 तारीख का ही एवरेज है तो करीब 5-6% पे आ गए हैं, और हमारा साप्ताहिक जो रेशियो है वो करीब 7% पे आ गया है। हमारा लक्ष्य है कि आने वाले 7-8 दिन में हम इसको शून्य कर लें, और साथ ही साथ हम थर्ड वेव की तैयारी में भी लगे हैं। पूरा प्रशासन, सभी हमारे स्वास्थ्यकर्मी, डॉक्टर्स, हमारा संगठन, सेवा ही संगठन के माध्यम से भी अनुकरणीय कार्य हमारे संगठन ने किया है। गाँव गाँव हम लोग गए हैं, सर्वे हमने किए हैं, मेडिकल किट्स हमने बांटे हैं, जल जागरण हुआ है, कुछ समाजसेवी संस्थाओं ने भी बहुत सहयोग किया है, व्यक्तिगत भी लोगों ने काम किया है। जैसे हमारे ओम प्रकाश टेलर ने बहुत ही अच्छा काम किया, मेरे ख्याल से उस व्यक्ति ने अकेले जा के स्वेच्छा से, क्योंकि उसके मन में दर्द था, उन्होंने अपने परिवार के 2 लोगों को खोया, और क्षणिक निराशा के बाद उन्होंने संकल्प लिया कि मैं जाकर योगदान दूंगा। तो ऐसे लोगों, ऐसे अनेक लोग हैं जो दृश्य हैं और सामने नहीं आते, मैं सबका साधुवाद धन्यवाद भी देना चाहूँगा। हम काफ़ी हद तक सफल हुए, ईश्वर से ये कामनाएं कि आने वाले समय में हम कोरोना मुक्त हो जाएं और तीसरी वेव के लिए भी तैयार हो जाएं। हम अभी यहाँ वार्ड्स बना रहे हैं, एक पेडियाट्रिक वार्ड बनाने की सबकी इच्छा है, और जैसे 40 बिस्तर यहाँ तैयार हो जाएंगे आने वाले 2 महीने, तो हम कोशिश करके उसको ICU में कन्वर्ट करेंगे, ताकि बदनावर में हमारे पास 50 बिस्तर का ICU रेडी हो जाए। मैं आभारी हूँ कश्यप का भी, चेतन कश्यप जी ने बहुत उदारता से हमें एक ऑक्सीजन प्लांट दिया है, उसको भी आज हमने उसका भी लोकार्पण किया। मैं आभारी हूँ सभी उद्योगों का जिन्होंने CSR से खुले मन से धार जिले की मदद करी है। आज हमें ब्रिजस्टोन के माध्यम से एक पूरी फैसिलिटी की एम्बुलेंस प्राप्त हुई है, जो हमने बदनावर को समर्पित करी है। आने वाले समय में मेरे ख्याल से सभी के सहयोग से हम काफ़ी हद तक वापस हमारे सामान्य जीवन पर लौट जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, कैनन न्यूज़।